दोस्तों, मैं हूं जयादी और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। और हमारे बाजू में चल रहा है कुक लाइक अनु। मम्मी मेरी पंजीरी बना रही है। रिमेम्बर हमने कल के वीडियो में कहा था आपसे कि पंजीरी की हम रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे मम्मी के चैनल पे। सो द थिंग वाज, कल का वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए मम्मी आज वापस से पंजीरी बना रही है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर पाएं और आप लोगों का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। सो ये रेसिपी देखना भूलना मत मम्मी के चैनल पे, दैट इज कुक लाइक अनु। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज हम पोस्ट पार्टम रिकवरी के सेकंड टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज। तो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी कि मैं कौन सा वर्कआउट फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने अभी ज्यादा नहीं, एक हफ्ता ही हुआ है मुझे थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी रिज्यूम करने को, बिकॉज मेरे स्टिचेस में काफी पेन था और मुझे काफी टाइम लगा रिकवर होने को। इनफैक्ट बेड से उतरने को भी मुझे काफी टाइम लगा, लेकिन आई स्टिल ट्राइड टू कीप माई सेल्फ एज एक्टिव एज आई कैन। बट मेरे डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि जितना हो सकता है उतना रेस्ट लेना है, सो मैं रेस्ट डेफिनेटली ले रही हूँ। सो टॉकिंग अबाउट माई फिजिकल एक्टिविटी, तो मैं बहुत ज्यादा जिम फ्रीक नहीं हूँ। आई एम सॉरी, जिम फ्रीक नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई हार्ड एंड डिफिकल्ट एक्सरसाइज करने का कोई शौक है। मैं सिर्फ एक्टिव रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत वॉक करना पसंद करती हूँ एंड ऑफ कोर्स योगा पसंद करती हूँ। सो दैट्स इट, मैंने वही चीजें की है पिछले दो हफ्तों में। तो दो हफ्ता जो था प्रेगनेंसी के बाद का, आई मीन डिलीवरी के बाद का, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ रेस्ट और थोड़ा बहुत मूवमेंट पे लगाया है, ताकि यू नो थोड़ा बहुत मेरे को वापस से जान मिलने लगे। दो हफ्ते बाद मैंने अपना मसाज सेशन शुरू किया, जिसके वजह से मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ। बॉडी में पेन वेन जो था वो भी काफ़ी कम हुआ। एंड देन आई रियलाइज कि नाउ इट्स टाइम कि मुझे अब थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए, राइट? सो अब मैं अपने कमरे में ही, हमारा कमरा आपने देखा है काफ़ी बड़ा है, सो मैं पूरे के पूरे घर में ही ऐसे वॉक करती रहती हूँ। एंड लगभग यू नो पूरे दिन ही वॉक चलता रहता है। इसके मैं लगभग आधे घंटे ना कंटिन्यू वॉक करना पसंद करती हूँ, स्पेशली सुबह उठने के बाद जब धूप लगाने जाते हैं हम लोग, तब थोड़ा सा वॉक करते हैं, क्योंकि वो धूप न्यू बॉर्न के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, जो कि अभी धूप बहुत ही कम हो गया बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो थोड़ा बहुत धूप हमें मिल सके। और राइट, और उसके बाद दोपहर को खाने के बाद एंड रात को खाने के पहले एंड बाद, दोनों थोड़ा बहुत आप अगर वॉक कर लेते हो ना, तो आपके उसमें काउंट होता है। ऑलराइट, अब धीरे धीरे जो है मैं योगा की तरफ जा रही हूँ, स्पेशली जो पेल्विक एक्सरसाइजेस होते हैं मैं बिल्कुल भी अवॉइड कर रही हूँ। पेट के बल लेट के जो भी एक्सरसाइज होता है वो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ अभी। मैं कोई भी तरह का स्ट्रेच जिसमें पेट पे स्ट्रेस देना पड़ रहा है वो अभी मैं फिलहाल नहीं कर रही हूँ। पीठ के बल लेट के ये कुछ एक्सरसाइजेस मैं यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन कर दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, आप वो एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको एकदम ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से अपने बॉडी को प्रेशराइज नहीं करना है। कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो, अभी फिलहाल आप साइकिलिंग वगैरह अवॉइड करना, डेढ़ महीने तक, कम से कम डेढ़ महीने तक साइकिलिंग, जिम, बहुत ही हैवी वेट लिफ्टिंग एंड ऑल, ये सब बिल्कुल भी अवॉइड करना। अगर ये सब आप करने वाले हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट ज़रूर करना। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगले डेढ़ दो महीने कम से कम आप ना ये जो लाइट एक्सरसाइजेस होते हैं ना, वॉक करना, सिटअप्स करना, स्क्वाट्स करना, ठीक है, थोड़ा बहुत गाने पे ना हल्का फुल्का डांस करना, लाइक थोड़ा सा म्यूजिक ऑन कर लो एंड अपने बेबी के साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का मूवमेंट करो, तो उससे भी आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा एंड आपकी भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, राइट? एंड इसके अलावा स्विमिंग तो मैंने आपको बोला ही, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योगा ना एक बहुत ही रिदमिक वे है, एक बहुत ही कामिंग वे है आपको फिट रखने का। ये आपको बिल्कुल भी क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस नहीं देता। लेकिन अगेन योगा में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेच वाले एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें नॉर्मल योगा करना है, बैठ के जो कर सकते हैं, खड़े रह के जो कर सकते हैं, लेट के जो कर सकते हैं, लेकिन पेट के बल नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। इस तरह से धीरे धीरे आप अपने फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो एंड अपने वापस से यू नो रूटीन में आ सकते हो, फिर से थोड़ा हेल्दी एंड स्ट्रांग महसूस कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपके बेबी को अभी आपका बहुत 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 टाइम चाहिए, आपका बहुत 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 एनर्जी चाहिए, सो लेट्स गिव ऑल ऑफ इट टू द बेबी। सो इट्स फॉर यू बेबी, थैंक यू सो मच।